गाइस कैसा होगा अगर आपके पास एक कॉबलस्टोन जनरेटर हो और उसको आपको टच करना ही ना पड़े, मतलब आपको अपना फ़ोन टच ही नहीं करना पड़े, आप ऑटोमेटिकली आपका जो कॉबलस्टोन जनरेटर है वो चलता रहे घंटों भर घंटों, ओके, और आपका जो कॉबलस्टोन है वो जनरेट होता रहे, पता नहीं कितने सारे, हर एक घंटे में कम से कम 1000 से भी ज़्यादा कॉबलस्टोन जनरेट हो रहा है गाइस इस वाले जनरेटर पे। तो आप लोगों को क्या जानना है कि मैंने ये वाला कॉबलस्टोन जनरेटर कैसे बनाया, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहना। Hey, what is up guys? Welcome back to my channel. Everyone, I hope you're doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो? So भाई लोग यार आ चुके हैं फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस। आज किस वाली गेम प्ले पे गाइज, माइनक्राफ्ट के हम लोग एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही यूनिक सा चीज़ बनाने वाले हैं जो कि होगा कॉबलस्टोन जनरेटर। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जो चैलेंज लिया हूँ, जो आप लोगों को पता है सर्वाइव कर रहा हूँ मैं अभी 100 days, जो कि है हमारे स्नो बायोम, ओके। अब देखो यार इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है गाइस कॉबलस्टोन, क्योंकि यहां पर कॉबलस्टोन मिलता ही नहीं है गाइस, क्या ही बोलूं, सारा का सारा चीज स्नो में ढक जाता है। अब इतना ज्यादा मेहनत लगता है ना स्नो को हटाने में, भाई क्या ही बोलूं। सो आज किस वाली वीडियो पे हम लोग एक बहुत ही तगड़ा वाला कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने वाले हैं, और ये जो कॉबलस्टोन जनरेटर होने वाला है, ये कॉबलस्टोन जनरेटर एक मामूली कॉबलस्टोन जनरेटर नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइस इसमें आपको अपना हैंड यूज ही नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कॉबलस्टोन जनरेटर में होता क्या है कि आपको एफ का रहना पड़ता है और फिर गाइज आपको तोड़ते ही जाना है, उसके लिए आपको अपना उंगली टच करके रखना पड़ता है फ़ोन पे। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आपके पास अगर पीसी होगा तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट दबाने के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन बट गाइज मैक्सिमम लोगों के पास तो मतलब पीसी नहीं होता है ना, ज़्यादातर फ़ोन में ही खेलते हैं लोग, है ना। अब देखो यार फ़ोन पे जो लोग खेलते हैं उन लोगों को पता है स्क्रीन को टैप करके रहना पड़ता है, आपको अपना फ़ोन हैंड में पकड़ के रहना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा मतलब बोल सकते हो सस्ता जुगाड़ बताने वाला हूँ, जिससे गाइस आप अपना फ़ोन को टच करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, आराम से वो वाला जुगाड़ यूज़ कर लो, उसके बाद गाइस कॉबलस्टोन जनरेटर ऑटोमेटिक होता रहेगा घंटों भर घंटों, सिर्फ आप अपना फ़ोन का चार्ज थोड़ा सा बढ़ा के रखना, ठीक है, बस यही काम है। और बाकी आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, वो होगा कि आपको बीच बीच में आके आपका जो पिकेक्स होगा वो जो टूट जाएगा उसको आके चेंज करना पड़ेगा, बस इतना ही काम है गाइस। बाकी टाइम गाइस आपको टच करना ही नहीं है आपका अपना फ़ोन को, ठीक है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा कॉबलस्टोन, एंड बहुत तगड़ा चीज़ है गाइस। और स्नो बायोम में भाई कॉबलस्टोन ना बहुत ज़्यादा सोने के बराबर है गाइस, क्योंकि यहाँ पर कॉबलस्टोन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और कॉबलस्टोन मिल भी जाता है ना तो भाई उसको फिर हम लोगों को वो बनाना पड़ता है, मतलब स्टोन ब्रिक्स बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी बहुत झमेला है। तो इसके लिए भाई कॉबलस्टोन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और इतना माइनिंग करने को मतलब इतना माइनिंग करने को कौन ही जाएगा बार बार, है ना। इसीलिए गाइस मैंने कॉबलस्टोन जनरेटर ही बना दिया, ताकि मैं अपने घर पे कैसल में मतलब अंदर ही अंदर कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकूँ, मतलब कॉबलस्टोन क्रिएट कर सकूँ, है ना। सो आज किस वाली वीडियो पे हम लोग वो भी करेंगे और सर्वाइव भी करेंगे, और देखते रहना गाइस आज किस वाली वीडियो पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, बहुत तगड़ा चीज़ होने वाला है वीडियो पे। हम लोग माइनिंग करने भी जाएंगे, डायमंड भी मिलेगा हम लोगों को आज, गोल्ड भी मिलेगा, आयरन तो भाई दबा के मिलता है आपको पता है, तो बस देखते रहना वीडियो को पूरा एंड तक, ओके। बाकी यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास ना कुछ कॉबलस्टोन थे, तो मैंने सोचा कि पहले इस वाले छत को कम्प्लीट कर लेते हैं, मेरा जो कासल है उसका छत को कम्प्लीट कर लेता है, तो चलो गाइस लेट्स गो। सो गाइज मैंने ऑलमोस्ट मेरा छत तो कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आपको जैसे मैंने बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा कॉबलस्टोन का ज़रूरत था, लेकिन इतने साथ ही कुछ नहीं होगा, उसके बाद मैं खोजने के लिए आता हूँ तभी मेरे को एक रुइन पोर्टल दिखता है, ये देख सकते हो, और इस बार रुइन पोर्टल पे एक चेस्ट भी था, तो मैंने जैसे खोला तो यहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े चीज़ थे, गोल्डन का आर्मर था, ठीक है, गोल्डन का बूट्स था, गोल्डन का पैंट था, सब कुछ था, तो मैंने सब कुछ कलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मेरे को एक पिकेक्स भी मिला गोल्डन का, तो बढ़िया यार, मतलब पता नहीं उसमें कौन सा एन्चेंटमेंट लगा है, आई डोंट नो, लेकिन बढ़िया है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया यहाँ पर सारा का सारा जितने भी चीज़ है, ये जितने भी रेड स्टोन है या फिर पता नहीं कौन सा स्टोन है, ये सारा का सारा मैंने कलेक्ट किया। उसके बाद रात भी हो चुका था, तो मैं सीधा यहाँ से निकल गया, क्योंकि ज़ॉम्बी का पेट पूजा मेरे को नहीं बनना है, इसलिए मैं सीधा निकल गया और सो गया। अब सो के उठने के बाद मैं सबसे पहले आता हूँ इसी वाले केब पे जो मेरा पहला वाला केब है। अब यहाँ पर मैं इसीलिए आता हूँ क्योंकि मेरे को ना डीप स्लेट चाहिए था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉबलस्टोन के लिए मैं उसका जनरेटर बना सकता हूँ, लेकिन डीप स्लेट के लिए मुझे कोई भी जनरेटर बनाना नहीं आता, तो इसीलिए मैंने सीधा यहाँ पर आया। तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे आयरन्स दिखा, तो मैंने सारा का सारा आयरन्स कलेक्ट किया, उसके बाद कॉपर भी कलेक्ट किया,
और यहाँ पर मेन मोटिव मेरा आयरन या फिर कॉपर नहीं था, मेरा मेन मोटिव था कोल एंड डीप स्लेट। जी हाँ दोस्तों, मेरे को कोल भी चाहिए था क्योंकि अभी इसी टाइम पे मेरे को कोल बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है यार, कॉबल स्टोन को अगर आप लोगों को मतलब वो बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, कॉबल स्टोन को अगर आप लोगों को स्टोन ब्रिक्स बनाना है, तो उसके लिए आपको पहले आपको स्टोन बनाना होगा, उसके बाद आपको डीप स्लेट बनाना होगा, सॉरी डीप स्लेट क्यों बोला हूँ, स्टोन ब्रिक्स बनाना होगा, तो उसके लिए आपको कोल्स चाहिए होगा। लेकिन ये भाई साहब आके मेरे को परेशान कर रहे थे, तो इन सारे को निपटाता हूँ। अब मेरे को चाहिए था कोल एंड डीप स्लेट, और फाइनली मेरे को कोल मिल जाता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। अब ये जो कोल मिला है ना, ये मेरे लिए डायमंड से बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। मतलब अभी इस टाइम पे कोल मेरे लिए भाई डायमंड से भी ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पर मैंने कोल ले लिया दबा के, और मैंने सारा का सारा कोल कलेक्ट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से निकलते हैं एंड मेरा जो कॉबलस्टोन जनरेटर है उसको बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे को कुछ खरगोश दिख चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो यार इनको पेट पालते हैं, लेकिन ये लोग पेट बनने का राजी नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे तैसे मैंने इसको इन लोगों को अपने कासल तक बुलाया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो लोग मेरे घर के अंदर घुस ही नहीं रहे थे, आई डोंट नो। बाकी यहाँ पर मैंने सारा का सारा कॉबलस्टोन जितना भी जमा करके लाया था वो सारा का सारा एक चेस्ट में डाल दिया। उसके बाद गाइस मैं फिर से आ जाता हूँ उसी वाली केप पे, एंड अब गाइस मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया क्योंकि अभी तक मेरे को डीप स्लेट नहीं मिला था। और यहाँ पर फाइनली मेरे को कुछ डीप स्लेट मिल जाता है, लेकिन इंतु शायद तक कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने एक आयरन वगैरह कलेक्ट कर लिया, और डीप स्लेट जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा मिलता है आपको पता है, तो यहाँ पर मेरे को और भी आयरन मिलता है। अब गाइस यार इतना ज़्यादा आयरन मिल रहा था ना मेरे को कि क्या ही बोलूँ, लेकिन डीप स्लेट मेरे को नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे को दो तीन डीप स्लेट दिख रहा था। और तभी गाइस यहाँ पर मेरे को मिलता है, क्या मिलता है गाइस, मेरे को यहाँ पर मिलता है गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने सारा का सारा गोल्ड भी कलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैंने सारा का सारा गोल्ड कलेक्ट किया ना, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसी वाले केव के थोड़े सा नीचे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने डिसाइड किया कि पहले कॉबलस्टोन जनरेटर ही बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लिया सस्ता टिकाऊ वाला, जिससे मैं ईजिली बहुत सारा कॉबलस्टोन जनरेट कर सकता हूँ घंटों भर घंटों। सो होना क्या था, मैं अपने काम पे लग गया और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक फुल चेस्ट कॉबलस्टोन भरूंगा, उसके बाद ही माइनिंग करने के लिए जाऊँगा, मतलब डीप स्लेट का। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा किया, आप लोगों को जैसे देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मैंने कॉबलस्टोन जनरेटर से कॉबलस्टोन बनाया, और लिटरली ये सबसे एफिशिएंटी वाला चीज़ है। और ये देख सकते हो गाइस, मैंने आप लोग स्क्रीन के अंदर आप लोगों को उस टाइप से दिख रहा होगा, लेकिन स्क्रीन के बाहर आप लोगों को इस टाइप से दिख रहा होगा, क्योंकि मैं अपना हैंड यूज़ कर ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को भी सूसू लगता है ना है ना, तो दो घंटे तक तो मैं फ़ोन को पकड़े हुए नहीं रह सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये वाला सिस्टम बना दिया। बाकी आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। बाकी उसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ डीप स्लेट को कलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ही डीप स्लेट कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर अब मैंने सोच लिया था कि मैं फुल बैकपैक भर के जाऊँगा डीप स्लेट, और यहाँ पर मैंने बहुत सारा डीप स्लेट कलेक्ट करते करते मेरे को फिर से गोल्ड मिलता है, आयरन भी मिलता है, तो मैंने सारा गोल्ड कलेक्ट कर लिया। सारा का सारा गोल्ड कलेक्ट करने के बाद मेरे को आयरन भी दिखा था, तो चलो वो भी कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने आयरन भी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो और थोड़ा सा डीप स्लेट कलेक्ट ही कर लेते हैं, जब तक मेरा सारा का सारा पिकेक्स टूट नहीं जाता मैं डीप स्लेट कलेक्ट करता रहूँगा। अब डीप स्लेट कलेक्ट करने के बाद गाइस मैंने सोचा कि चलो और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए इस वाले केव को, क्या पता डायमंड मिल जाए। और भाई अब डायमंड कलेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे को एक ही मिलता है, मुझे लगा बहुत सारे मिलेगा कोई बात नहीं एक ही मिला। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। अब क्या ही बोल सकते गाइस, इतना खोजने के बाद मेरे को एक डायमंड मिला कोई बात नहीं गाइस है ना। बाकी उसके बाद थोड़े से दूर पे मेरे को मिल जाता है थोड़ा सा आयरन, तो मैंने वो भी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद गाइस मैंने और भी ज़्यादा डीप स्लेट कलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर मेरे को और भी ज़्यादा आयरन मिल रहा था, गोल्ड भी मिल रहा था, तो मैंने सारा का सारा गोल्ड आयरन कलेक्ट कर लिया। लेकिन भाई एक तो डायमंड का पिकेक्स दे दे भाई, मतलब पिकेक्स नहीं सॉरी, एक तो डायमंड दे दे, मतलब कम से कम तीन ही डायमंड दे देते जिससे मैं एक पिकेक्स बना सकता था और मैं नेदर पोर्टल पे जा सकता था, क्योंकि मेरे पास जानते हो मेरे पास वो भी है गाइस, जो जिससे गाइस वो बन सकता है, मतलब नेदर पोर्टल का दरवाज़ा बन सकता है, वो भी चीज़ है गाइस मेरे पास, लेकिन मेरे पास पिकेक्स नहीं है जिससे मैं तोड़ सकूँ उस वाले स्टोन को, क्योंकि गाइस वो वाला स्टोन ना सिर्फ और सिर्फ डायमंड पिकेक्स से ही टूटता है।
उसके बाद गाइस मैंने बहुत ज़्यादा वो जनरेट किया, मतलब जनरेट नहीं कॉबल बोल रहा हूँ यार, डीप स्लेट मैंने माइनिंग किया। उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हो नीचे जैसे आया तो मेरे को ओ भाई साहब, मेरे को सबसे तगड़ा चीज़ मिला जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए था, ये था रेड स्टोन। जी हाँ दोस्तों, अब रेड स्टोन से मैं रेड डस्ट बना सकता था, उससे मैं एक कंपास बना सकता था। जी हाँ दोस्तों, जो कि मेरे को चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि यार मैं बार बार अपना घर भूल जाता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को एक कंपास चाहिए था जिसके मदद से मैं वापस से जितने भी दूर पर जाऊँ मैं वापस अपने घर पर आ सकता था, ठीक है। और ये सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगा और मैंने एक कंपास बना लिया फाइनली, मतलब अभी नहीं बनाया, घर जाके बनाऊंगा अपने कासल पे। पहले यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा कॉबलस्टोन क्यों बोल रहा हूँ डूड, डीप स्लेट मैंने बहुत ज़्यादा माइनिंग किया। उसके बाद गाइस मैं माइनिंग करते गया, अभी तो फिलहाल अपना घर डेकोरेट करना है, मेरे को कासल डेकोरेट करना है, वो आप लोगों को ना इसके मतलब फोर्थ पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी छोटे सा वीडियो गाइस, अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो कर दो लाइक। हाँ गाइस, अगर आपको भी जानना है कि जो मैंने कॉबलस्टोन जनरेटर बनाया उसको मैंने कैसे बनाया, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे कॉमेंट में बताना कि आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं कॉबलस्टोन जनरेटर कैसे बन सकता है ना, तो बताना नीचे कमेंट में ताकि मैं वीडियो बना सकूं। बाकी बाय बाय गाइस।